और अब ये जो एंटेना आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, जो एक्मोस का एंटेना जो है, इनको डेवलप किया, ये जो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर रेने नकाशिया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन 12 महीने की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बंदे ने कुछ सुई चुभी है मेरे बॉडी में और मैं अब लॉन्ग टेनिस खेल पा रहा हूँ, ये उनसे हजम नहीं हुआ चीज, और ये इक्विपमेंट बन के बाहर आया जो आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम एक्मोस का लेकर एंटेना कहते हैं। ये जो एंटेना आज के तारीख में हमारे सामने है ना, ये किसने डेवलप किया और इसके पहला है ना ओरिजिनल एंटेना किसने डेवलप किया, उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो अर्न्स लेकर है ना, इनका सरनेम लेकर है, इसके कारण हम इसे लेकर एंटेना कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात वो समझ लीजिए। तो ये जो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये अर्न्स लेकर करके है ना, ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट है, ये अभी ऑफकोर्स नहीं है ना, क्योंकि ये 1930 की बात है, ऑफकोर्स ये बॉर्न 1800s के है ना एंड में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने ये इक्विपमेंट है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का इक्विपमेंट इन्होंने डेवलप किया था। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग तरह के रेडिएशंस वगैरह को चेक करने के लिए उन्होंने ये जो इक्विपमेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मटेरियल इन्होंने ये डेवलप किया था। ये जो इक्विपमेंट है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, और ये शंटिंग करने के लिए, शॉटिंग करने के लिए यहाँ पे ये कर्सर है, और ये अराउंड ना 1.5 से 2 मीटर बड़ा मशीन है, क्योंकि ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापता है, इसके लिए इसका साइज बड़ा है, क्योंकि हर्ट्ज में जैसा आपको मैंने बताया है ना, साइकिल्स कम होते हैं, वेवलेंथ का साइज बड़ा होता है ना, उसी तरह से जैसे साइकिल्स का बढ़ते जाते हैं वैसे वेवलेंथ का साइज कम होते जाता है और ज्यादा नजीक आते जाते हैं। इसके लिए हमारा जो एंटेना है वो गीगाहर्ट्ज के लिए काम आता है, और ये जो बड़ा आप देख रहे हैं इक्विपमेंट वो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। और अब ये जो एंटेना आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, जो एक्मोस का एंटेना जो है, इनको डेवलप किया, ये जो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर रेने नकाशिया, ठीक है। ये खुद फ्रेंच इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर थे, ये एरोनॉट्स यानी एरोप्लेन वगैरह पे है ना, इससे खुद की इनकी कंपनी थी, या ये कहीं पे जॉब करते थे जो भी, तो ये उसमें है ना एज एन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर काम करते थे। अब इनके बारे में मैं छोटा सा आपको एक स्टोरी बता दूं कि हाउ है ना ही डिस्कवर्ड ऑल दिस थिंग्स एंड व्हाई थिंग्स केम इनटू यू नो एग्जिस्टेंस। क्योंकि भगवान क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी लाइफ में करता है, उस समय के लिए तो हमें लगता है कि यार क्या अनर्थ हो गया, लेकिन उसी में से जो सीख के आगे बढ़ के कुछ डेवलप करता है ना, तो वो खुद के लिए और दुनिया के लिए एक वरदान देके जाता है। तो उसी तरह से डॉक्टर रेने जी ने किया कि ऑफकोर्स उनके लाइफ में ऐसी चीजें हुई कि उनके जो वो क्या करते, उनकी हॉबी थी लॉन्ग टेनिस खेलने की, और लेकिन है ना अराउंड 40 के आसपास के एज में बिकॉज ऑफ नी इंजरीज ही वॉज नॉट एबल टू प्ले लॉन्ग टेनिस। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, नी रिप्लेसमेंट करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद तो है ना शायद को प्ले कर ही नहीं पाए। तो इन्होंने भी उस समय पे जो भी इंग्लिश मेडिसिन वगैरह अवेलेबल थी, क्योंकि आज से 40 साल पहले शायद नी सर्जरी भी इतनी है ना डेवलप नहीं थी, तो इन्होंने जो भी मेडिसिन वगैरह की, सारा कुछ किया 6 महीने 12 महीने, लेकिन एक्चुअली में उनको फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं पे किसी ने उन्हें बताया कि यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई एक्यूपंक्चर। अब उस समय पे यूरोपियन कंट्रीज में वो अवेलेबल भी नहीं था, ठीक है। अब कुछ समय बाद कोई कारण से इन्हें चाइना जाना पड़ा, और यहाँ पे उन्हें वो याद आया, तो उन्होंने क्या किया, तब ट्रिप पे गए भी थे तो वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 1 महीना कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेने पे ये साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यू कुड रिज्यूम प्लेइंग लॉन्ग टेनिस है ना, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड इफेक्ट था उनके लिए। तो बिकॉज बींग एन इंजीनियर अब उनका दिमाग थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया कि वाई है ना, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया वाई, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन 12 महीने की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बंदे ने कुछ सुई चुभी है मेरे बॉडी में और मैं अब लॉन्ग टेनिस खेल पा रहा हूं, ये उनसे हजम नहीं हुआ चीज। तो उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का जो काम या बिजनेस जो था वो किया बंद, चाइना में रुक गए 2-3 साल, और पूरी उसकी मास्टरी और पीएचडी की एक्यूपंक्चर की। अब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, अब उन्होंने एक्यूपंक्चर यानी कि पूरा बॉडी का साइंस सीख लिया कि कुछ एनर्जी है उस पर, कुछ हमने किया उस पर, कुछ चुबोया है ना उस पर, कहीं पे वो मॉक्सा वगैरह भी करते, पता है आप लोगों को, गरम बड़ी सिगार वगैरह से भी पॉइंट वगैरह है ना करते, तो ऐसा सारा कुछ करने पे बॉडी का क्या हुआ जिसके कारण मैं आज ठीक हूं बिना कोई गोली के और बिना कोई ऑपरेशन के। अब जब वो सीख लिया आ गए वापिस फ्रांस, अब क्वेश्चन मार्क और एक बड़ा आ गया कि हाउ, बॉडी में क्या हुआ, चलो समझ में आ गया कि कुछ मेरिडियन है, कुछ एनर्जी है ना, उसमें कहीं ब्लॉकेज था तो इसके कारण वो ठीक हो गया,
बट बॉडी में ऐसा क्या हुआ, ब्लॉकेज ऐसा क्यों दूर हुआ, है ना, व्हाई इट हैपेंड, तो वो क्वेश्चन मार्क इनको लेके गया। और इन्होंने फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके कुछ सब्जेक्ट है एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट, उसमें उन्होंने 2-3 साल कर सीख के पीएचडी की कि व्हाट दैट केमिकल रिएक्शंस हैपेंड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ दैट द प्रिकिंग ऑफ द नीडल मेड दैट डिफरेंस एंड बॉडी रिएक्टेड एंड देन समथिंग हैपेंड एंड द हीलिंग वॉज देयर एंड आई कुड रिज्यूम एवरीथिंग एंड ही बिकेम मच बेटर हेल्थ वाइज। बस फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक्यूपंक्चर, ये तीनों का जो डीप नॉलेज उनके पास होने के कारण उन्होंने फिर डिजिटल इक्विपमेंट पहले एक बनाया जिसे कहते हैं बायोफीडबैक, और उसको लेके वो 5 साल से भी ज्यादा सिर्फ हॉस्पिटल्स में जाते और पेशेंट्स के एनर्जी को चेक करते, जो टिंग पॉइंट्स होते हैं ना एक्यूपंक्चर के, जो हाथों में होते हैं और पैरों की फिंगर टोस पे होते हैं, टिंग पॉइंट्स उसे कहते हैं, उसे वो मेजर करते हैं और नोट डाउन करते हैं कि इसे ये प्रॉब्लम है और इसके टिंग पॉइंट्स की ये डिजिटल मेजरमेंट्स आती है 0 to 100 के स्केल पे, वो लिखते 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 ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा डेटा अपना जमा किया। अब फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि जो एक्यूपंक्चर है ना, वो तो शायद है ना सब लोग कर नहीं पाएंगे, डरते हैं बहुत से लोग क्योंकि वो खुद डरते थे, तो अब उन्हें ऐसा था कहीं ना कहीं कि व्हाई नॉट यू नो डू समथिंग सो दैट यू नो के कैसे कहूंगा है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर पाए, तब जाके उन्होंने इस पे और काम किया। और फिर है ना इस पे उन्होंने ट्रांसफर एनर्जी वाला कुछ चीजें पे काम किया। फिर अराउंड 1990s के आसपास, अराउंड 35 years अगो, ऐसा ही सिमिलर कोई इक्विपमेंट छोटा मोटा इसके आजू बाजू का उनके हाथ में कहीं पे आया, किसी का, जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने बताया फोटो उसी को देख के किसी ने छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट मोटा छोटा इसके बराबर बराबर बनाया। फिर उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट को लेके उस पर स्टडी किया, सारा सब्जेक्ट को और डिटेल में जाना, और ये इक्विपमेंट बन के बाहर आया जो आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम एक्मोस का लेकर एंटेना कहते हैं, जिसका हम उपयोग, ऑफकोर्स वो लोग तो इसका उपयोग एनर्जी ट्रांसफर वाले पूरे सिस्टम प्रोटोकॉल सिस्टम में करते हैं, लेकिन इंडिया में ही हमने इस पे है ना, जिस आर्किटेक्ट ने इस पे काम किया उन्होंने इसका एनर्जी वास्तु पे डेवलपमेंट किया, और हम इसका मैक्सिमम उपयोग एनर्जी वास्तु में करते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा हिस्ट्री है ना, कि कहाँ से लेके कहाँ पे आया और आज की तारीख में कैसा हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो 2013-14 में है ना जब मैं फ्रांस गया था, तो ये तब की तस्वीर है जब मैं उनके साथ सीख रहा था, तो मैंने डायरेक्ट इनके अंडर के इनके इनके गाइडेंस में मैंने इनका जो पूरा प्रोटोकॉल सिस्टम है एनर्जी ट्रांसफर का वो सीखा है पूरा मैंने। और आज के तारीख में ऑफकोर्स 3 से 4 साल हो गए है ना, इनका देहांत हो चुका है ऑलमोस्ट, ये तभी 85 के आसपास एज के थे जब मैं गया आज से है ना 10-12 साल पहले, अराउंड ही वॉज 73-75, और खुद वो सिखाते थे, एंड यूज टू ड्राइव 1 आवर फ्रॉम हिज हाउस कम टू द ऑफिस डेली एंड ही यूज टू हिमसेल्फ टीचर्स, एंड ऑफकोर्स इनके साथ और भी एक दो इंस्ट्रक्टर थे, लेकिन ये खुद उस एज में है ना वहां पे आके सिखाते थे, और लास्ट तक वो थे, लास्ट तक जब वो है ना उनका देहांत था उसके पहले भी, एक हफ्ता पहले तक भी वो वहां पे रेगुलर जाते थे अपने ऑफिस पे।